लालिया ने शेड़ा जदों जजीत जजार की गल बुढ़े अरस की कबर ना टुट जाए शेड़ी नहीं हजे सरहद की दवार की गल मेरी कलम नमाणी विच की ताकत लिख सका मैं कलगी वाले दे उपकार की गल गुरु गोबिंद सिंह जी दे वारसो सब नू हाथ जोड़ के फतेह बुलाना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आपां सारे जाणदे आ कि जिहड़ा ये संघर्ष आ ये मोदी दे उन्हां काले कानूनां दे खिलाफ आ जिहड़े किसानां दे उल्ट बनाए ने। आपां सारे जाणदे आ कि जदों मोदी ने सरकार बनाउणी सी उन्हें ऐसे नारे दिते कि सारे देश के मजदूरों नू किसानों नू इस गल भरमा लिया जिहड़ा कहिंदा सी कि मैं काला तां लियाऊं सवेर नू सारे लोगों के खात्यां दे विच 15-15 लाख रुपया होऊ जिहड़ा कहिंदा सी कि किसानों की हालत बड़ी माड़ी आ बड़ी तरसयोग आ किसान खुदकुशियां करदे आ ते किसान आ जिहड़े उन्हां दी आमदन जिहड़ी मैं दुगनी करूँगा। भरावो होया कि मोदी ने कीता कि किसी मुंडे का ब्याह नहीं सी हुंदा वो फिरदा तुरदा रहा उन्हूं कोई सियाणा बंदा कहिंदा कहिंदा काका तेरा ब्याह होजू तू एक महीना बाबे मतोई दे पाणी पा। वो रोज़ गड़बी लैके पिप्पल दे पाणी पाउण जांदा सी 15 दिन नंगे जदों 15 दिन नंगे तो किसी ने सुनेहा दिता कि वो काका तेरी तो माँ भी मर गई उन्हें गड़बी भगा के मारी नाल ही कहिंदा बावे बाबा मतोई मैनू तो की बहुटी देनी सी तां तां बापू की भी खोई। उही गल मोदी ने की 15 लाख की देना सी जिहड़ी साडे पुरखियां दी 2-2 किले जमीन सी 4-4 किले जमीन सी वह भी बानिया डानिया खोण की तैयारी कर ली। ऐसा जाल बसाया काले कानूनों का कि पंजाब के लोगों ने बहादुरी करके उसका डट के विरोध किया अज पूरे हिंदुस्तान दे विच विरोध जारी आ। अज पूरा हिंदुस्तान उन्हां कानूनों के खिलाफ लड़दा पर मोदी दे साह इस गल अड़िया कि कानून आ जिहड़े असी बरकरार रखणे आ पर किसान जथेबंदियां हिंदुस्तान के किसान इस गल लड़ाई लड़ रहे ने। मैं तुहानूं एक गल सुनाउणी आ कि जिहड़े सियाणे लीडर किसान सभावां दे ने वह जरूर इस कानून नूं गलों ला के आपो अपने घरां दे विच जाणगे वह इस कानून नूं इत्थे रहण नहीं दिंदे उन्हां चिर टहके नहीं बैठणगे। कोई सौदागर पंजाब दे विच आया उन्हें आउण सार एक तोता खरीदिया तोता खरीद के वह पंजाब तो बाहर आपदे देश विच लै गया 2-4 महीने नंगे लंघण तो बाद उन्हें कहा तोते नूं कि मैं पंजाब जाना वा कोई सुनेहा देना दे दे। तां जदों वह सौदागर पंजाब दे विच आया किसे दरख्त दी सामे बैठा सी एक तोतियां दा झुंड उन्हें सुनेहा दिता कि तोतियो थोड़ा भरा थोड़ा वीरा मेरे पिंजरे विच कैद आ। एकदम तोते फड़क देने उठे और उन्होंने एक तोता थले डिगया डिगण तो बाद जो सौदागर वो को गया उन्हें तोते देखिया तो तोता फड़क देने उड गया। उ गल जाके उन्हें तोते को गया तोते ने कहा मालक मेरे भरावान ने कोई सुनेहा नहीं दिता। तो सौदागर ने कहानी सुनाई कहता गल यह आ कि मैं दरख्त के सामने बैठा सी तो उत्थे तोतियां दा झुंड बैठा सी तो मैं थोड़ा सुनेहा दिता सारे तोते उड गए एक तोता फड़क देने थले डिग पिया तो जदों मैं कोले गया उड गया जिहड़ा पिंजरे विच तोता सी वह भी धौण नूं हिला के पिंजरे दे विच डिग पिया। सौदागर ने नौकर नूं कहा कि तोता मर गया इहनूं पिंजरे चों बाहर कढ जदों पिंजरे चों बाहर कढ के तोते नूं फर्श ते रखिया तोता उड के बनेरे ते बह गया कहिंदा ओ सौदागरा
तैनू मेरे भाइयों की समझ नहीं सी आई, मैनू उन्होंने सुनेहा देता सी। ये मोदी नू पता नहीं कि पंजाब के जिहड़े किसानां दे लीडर आ जां पंजाब दी किसानी आ जां हिंदुस्तान दे किसान आ, तेरे जिहड़े पिंजरे आ जिहड़े तेरे काले कानून आ उन्हां दे विचों निकल गए, और ये जिहड़े काले कानून आ ये रहने नहीं। मैं यही बेनती करदा कि जिहड़ा संघर्ष आ हुण होर तेज होगा। असीं भी इत्थे बहुत बारी सैकड़े बारी जत्थे लै गए, 26 जनवरी वाले दिन हजारों ट्रैक्टर लैके पहुँचे सी। ये जिहड़ी लड़ाई आ वह हमेशा जारी रहेगी, और ये विश्वास दे नाल कि लड़ाई उन्ना चिर आपां करनू नहीं जाणा जिन्ना चिर ये लड़ाई मुकदी नहीं। इन्हां बेनतियां दे नाल तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने कीमती